हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉइन मास्टर एमडी में। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक रुपया कॉइन्स के बारे में, जो स्टील वाला दोस्तों एक रुपये का कॉइन्स है, इसी कॉइन्स के बारे में। तो आप लोगों के पास भी ऐसा स्टील वाला एक रुपया कॉइन्स हो सकता है। तो दोस्तों, ये देखिए, तो दोस्तों ऐसा जो एक रुपये का स्टील वाला कॉइन्स है, अगर दोस्तों ऐसा कॉइन्स आप लोगों के पास भी है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ऐसा जो कॉइन्स है, ऐसा कॉइन्स का प्राइस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ऐसा कॉइन्स आप लोगों के पास भी है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो बात करेंगे ये जो तमिल कॉन्फ्रेंस का एक रुपये का कॉइन्स है, इसी कॉइन्स के बारे में। तो दोस्तों, लास्ट में बताएंगे ऐसे जो 5 रुपये का कॉइन्स है निकिल ब्रास का, ये देखिए। तो ऐसा कॉइन्स में दोस्तों ऐसा एक मिंट है जो आज की डेट में काफ़ी महंगा है, वो दोस्तों आपको आम चलन से भी मिल सकता है। तो कौन सा मिंट है और कौन सा ईयर्स का है, ये दोस्तों मैं लास्ट में जानकारी दूंगा। तो आते हैं मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों, ये जो कॉइन्स है, इस कॉइन्स को डाला गया था 1995 में। इस कॉइन्स को भारत का 3 मिंट से डाला गया था, बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। तो दोस्तों, ये है कॉइन्स का ओवर साइड, ये देखिए, ये है दोस्तों रिवर्स साइड। तो दोस्तों, ये जो कॉइन्स है, इस कॉइन्स का मिंट मार्क देखिए, 5 का साइट में है एक स्टार, गौर से देखिए। तो ये दोस्तों हैदराबाद मिंट का कॉइन्स है। अगर दोस्तों यहाँ पर एक डायमंड हो 5 का साइड में, तो ये दोस्तों बॉम्बे मिंट का होता। अगर दोस्तों एक डॉट होता तो ये दोस्तों नोएडा मिंट का कॉइन्स होता। और इस कॉइन्स को सिर्फ 3 ही मिंट से डाला गया था, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। तो दोस्तों, ये जो कॉइन्स है, इस कॉइन्स का प्राइस की बात करें तो बॉम्बे मिंट का जो कॉइन्स है, बॉम्बे मिंट कॉइन्स का प्राइस है 20 रुपया से 100 रुपया तक, फाइन कंडीशन में 20 रुपीज़ और UNC कंडीशन में 100 रुपीज़। ये मेरे पास हैदराबाद मिंट का कॉइन्स है, ये देखिए। तो हैदराबाद मिंट से इस कॉइन्स को करोड़ों मात्रा में छापा गया था, इसलिए दोस्तों हैदराबाद मिंट का जो कॉइन्स है, ये दोस्तों नॉर्मल होता है, 10 रुपया से 50 रुपये तक प्राइज है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों इस 1 रुपये का कॉइन्स का प्राइस ये 10 रुपया। अगर दोस्तों ये कॉइन्स हैदराबाद मिंट का UNC कंडीशन में है तो आपको कोई 50 रुपया तक दे सकता है। बात करेंगे नोएडा मिंट का जो कॉइन्स है, नोएडा मिंट कॉइन्स का प्राइस की, तो नोएडा मिंट कॉइन्स का प्राइस ये 50 रुपया से 300 रुपया तक, फाइन कंडीशन में 50 रुपीज़ और UNC कंडीशन में 300 रुपीज़ नोएडा मिंट कॉइन्स का प्राइस है। तो दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट कॉइन्स की। तो दोस्तों, नेक्स्ट कॉइन्स है ये, ये देखिए, ये जो कॉइन्स है दोस्तों, ये कॉइन्स दोस्तों सिंगल मिंट कॉइन्स है। सिर्फ इस कॉइन्स को भारत का एक ही मिंट से डाला गया था, वो है दोस्तों कलकत्ता मिंट, और इस कॉइन्स को डाला गया था 2004 में। तो दोस्तों, ये जो 1 रुपये का कॉइन्स है, ये दोस्तों इंडियन पोस्ट का 1 रुपये का कॉइन्स है, इंडिया पोस्ट की सिम पर इस कॉइन्स को डाला गया था। तो दोस्तों, ये जो कॉइन्स है, इस कॉइन्स का प्राइस की बात करें तो ये आपको दिला सकता है 50 रुपया से 300 रुपया तक, फाइन कंडीशन में 50 रुपीज़ और UNC कंडीशन में 300 रुपीज़ इस 1 रुपया कॉइन्स का प्राइस है। तो दोस्तों, ये कॉइन्स आज की डेट में स्केयर कैटेगरी का कॉइन्स है, UNC कंडीशन होने से कोई आपको 300 रुपया तक दिला सकता है। तो बात करेंगे नेक्स्ट कॉइन्स की। तो दोस्तों, नेक्स्ट कॉइन्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1 रुपये का कॉइन्स। दोस्तों, ये जो कॉइन्स है, ये भी दोस्तों सिंगल मिंट कॉइन्स है। इस कॉइन्स को सिर्फ हैदराबाद मिंट से डाला गया था, ये देखिए, ईयर्स के नीचे में एक स्टार है, गौर से देखिए। तो ये दोस्तों हैदराबाद मिंट का कॉइन्स है और सिर्फ इसे हैदराबाद मिंट से ही डाला गया था। तो इस कॉइन्स को बनाया गया था 2010 में इस कॉइन्स को करोड़ों मात्रा में छापा गया था, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1 रुपये का कॉइन्स है, करोड़ों मात्रा में छापा गया था। तो इसलिए दोस्तों ये कॉइन्स नॉर्मल है। अगर दोस्तों ये कॉइन्स आप लोगों का पास है तो इस कॉइन्स का प्राइस 5 रुपया से 50 रुपया तक है, फाइव कंडीशन में 5 रुपीज़ और UNC कंडीशन में 50 रुपीज़ इस कॉइन्स का प्राइस है। ये दोस्तों नॉर्मल कॉइन्स है। तो बात करेंगे नेक्स्ट कॉइन्स की। तो दोस्तों, नेक्स्ट कॉइन्स है सेलुलर जेल वाला जो 1 रुपये का कॉइन्स है, यही कॉइन्स। तो दोस्तों, ये देखिए, अगर दोस्तों आप लोगों के पास भी ये कॉइन्स है सेलुलर जेल वाला, तो जानिए इस कॉइन्स का प्राइस रियल में क्या है। तो दोस्तों, ये जो कॉइन्स है, इस कॉइन्स को डाला गया था 1997 में। इस कॉइन्स को भारत का 4 मिंट से डाला गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। 4 मिंट का कॉइन्स दोस्तों आज की डेट में नॉर्मल कैटेगरी का कॉइन्स है, क्योंकि दोस्तों 4 मिंट से इस कॉइन्स को करोड़ों मात्रा में छापा गया था। 4 मिंट का कॉइन्स दोस्तों नॉर्मल कैटेगरी का कॉइन्स है और इस कॉइन्स का प्राइस की बात करें तो ये आपको दिला सकता है 10 रुपया से 100 रुपया तक,
फाइन कंडीशन में 10 रुपीस और UNC कंडीशन में 100 रुपीस इस सिल्वर जेल वाला कॉइन्स का प्राइस है। ये दोस्तों नॉर्मल कॉइन्स है, कोई सा भी मिंट हो। तो बात करेंगे नेक्स्ट कॉइन्स की। तो दोस्तों नेक्स्ट कॉइन्स है 2005 वाला क्रॉस वाला कॉइन्स। ये देखिए, अगर दोस्तों आप लोग का पास भी क्रॉस वाला कॉइन्स है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों ये जो कॉइन्स है क्रॉस वाला, तो ऐसे क्रॉस वाला कॉइन्स को डाला गया था 2004 में, 2005 में और 2006 में। तो ज़्यादातर जो आम चलन में आपको मिलता है और दिखाई देता है वो है दोस्तों 2005 वाला, 6 वाला और 4 वाला दोस्तों कमती दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों आम चलन से अभी भी मिलता है 2005 वाला। तो आज जानेंगे 2005 का जो कॉइन्स है, और दोस्तों 2005 का कॉइन्स ज़्यादा मात्रा पर सभी का पास होता है। तो 2005 वाला जो क्रॉस वाला कॉइन्स है, जानेंगे इस कॉइन्स का आज की डेट में क्या प्राइस है। तो 2005 में ये जो कॉइन्स है, इस कॉइन्स को भारत का चारों मिंट से डाला गया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट से। चारों मिंट से 2005 में इस कॉइन्स को डाला गया था। और प्राइस की बात करें तो बॉम्बे और कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का जो कॉइन्स है, इस तीनों मिंट का कॉइन्स दोस्तों आज की डेट में UNC कंडीशन में 50 रुपया है, फाइन कंडीशन में 5 रुपीस और UNC कंडीशन में 50 रुपीस। बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट का जो कॉइन्स है, इस कॉइन्स का प्राइस है। और आपको देखना है 2005 नोएडा मिंट का कॉइन्स। तो ईयर्स के नीचे में एक डॉट होगा, तो यही दोस्तों नोएडा मिंट का कॉइन्स है। अगर दोस्तों आप लोग का पास भी 2005 वाला क्रॉस वाला 1 रुपया कॉइन्स नोएडा मिंट का है, तो आपको दिला सकता है 50 रुपया से 300 रुपया। तो जी हाँ दोस्तों, 2005 नोएडा मिंट कॉइन्स का प्राइस है UNC कंडीशन में 300 रुपीस, फाइन कंडीशन में 50 रुपीस और UNC कंडीशन में 300 रुपीस। 2005 क्रॉस वाला 1 रुपया कॉइन्स का प्राइस है जो नोएडा मिंट का है। बाकी मीन दोस्तों नॉर्मल है 2005 का। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, ऐसे जो नॉर्मल कॉइन्स होता है 1 रुपया का, ये देखिए, तो ऐसे कॉइन्स का प्राइस, कोई फ्रॉड यूट्यूबर है ऐसे कॉइन्स का भी प्राइस दोस्तों हज़ारों या लाखों में बोलते, तो ऐसा फ्रॉड यूट्यूबर चैनल से बच के रहे, जो नॉर्मल कॉइन्स का भी दोस्तों हज़ारों या करोड़ों में या लाखों में प्राइस बोलते हैं। ये सब दोस्तों नॉर्मल कॉइन्स है, UNC कंडीशन होने से कोई आपको 100 रुपया या 200 रुपया तक ही दे सकता है, तो ऐसे फ्लोट यूट्यूबर चैनल से बच के रहे। तो बात करेंगे वो जो 5 रुपये का निकिल ब्रश का कॉइन्स है, उस कॉइन्स के बारे में। तो दोस्तों ये जो 5 रुपये का कॉइन्स है, इस 5 रुपये का मेटल की बात करें तो ये दोस्तों निकिल ब्रश मेटल है, और इस कॉइन्स का वेट है 6 ग्राम, साइज है 23 mm, शेप है सर्कुलर। यह है कॉइन्स का ओवर साइड, ये देखिए, ये है दोस्तों रिवर्स। तो ऐसा वाला जो कॉइन्स है, ऐसा वाला कॉइन्स दोस्तों अभी भी आम चलन से मिलता है। अगर दोस्तों आप लोग का पास भी ऐसा कॉइन्स है, तो आपको देखना है 2014 वाला। अगर दोस्तों 2014 वाला आप लोग का पास कॉइन्स है, तो आपको देखना है नोएडा मिंट का कॉइन्स। नोएडा मिंट कॉइन्स आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा प्राइस का होता है। और दोस्तों 2014 में नोएडा मिंट से काफ़ी कम मात्रा में छापा गया था नोएडा मिंट का कॉइन्स, तो इसलिए दोस्तों नोएडा मिंट कॉइन्स आज की डेट में काफ़ी महंगा है। तो जानेंगे नोएडा मिंट का कॉइन्स क्या प्राइस का है, और बाकी मिंट भी क्या प्राइस है। तो दोस्तों 2014 में इस कॉइन्स को भारत का चारों मिंट से डाला गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। बाकी 3 मिंट दोस्तों नॉर्मल है, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट का जो कॉइन्स है, ये दोस्तों नॉर्मल कैटेगरी का कॉइन्स है। और तीनों मिंट का प्राइस की बात करें तो ये आपको दिला सकता है 5 रुपया से 30 रुपया तक। बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट का कॉइन्स है, ये दोस्तों आपको UNC कंडीशन में 30 रुपीस तक दिला सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग का पास 2014 का नोएडा मिंट का कॉइन्स है, तो नोएडा मिंट कॉइन्स आपको काफ़ी महंगा दाम दिला सकता है। तो दोस्तों ये देखिए स्क्रीन पे, ये देखिए 2014 का नीचे में एक डॉट है बड़ा सा, तो ये दोस्तों नोएडा मिंट का कॉइन्स है, और इस कॉइन्स को ही आपको तलाश करना है, 2014 नोएडा मिंट कॉइन्स। तो इस कॉइन्स का आज की डेट में प्राइस है 50 रुपया से 500 रुपया तक। जी हाँ दोस्तों, 2014 वाला जो नोएडा मिंट कॉइन्स है, ये आपको दिला सकता है UNC कंडीशन में 500 रुपये तक, फाइन कंडीशन में 50 रुपीस और UNC कंडीशन में 500 रुपीस। 2014 नोएडा मिंट कॉइन्स का प्राइस है। तो नोएडा मिंट कॉइन्स दोस्तों आज की डेट में काफ़ी महंगा है। तो दोस्तों वीडियो में थोड़ा सा भी जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं 9-10 कॉइन्स के बारे में आप लोगों को सही और सच्ची जानकारी देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, हमेशा सुरक्षित रहिए। Yeah.